गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की मुहिम के चलते आज हम बात कर रहे हैं गांव में जलाशयों की। जलाशय भी गांव की एक मूल समस्या है। गांव में पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है। पहले तो जनसंख्या को देखते हुए गांव में तालाबों में पीने के पानी की समस्या है। अगर जहां कहीं तालाब और हैंडपंप भी लगे हुए हैं तो वहां की स्थिति भी ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार की अनदेखी के कारण तालाब सूखते जा रहे हैं और समय पर फंड न मिलने के कारण खराब हैंडपंपों की मरम्मत नहीं हो पा रही। इसी के तहत एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक संभल में स्थित भरवाड़ा गाँव पड़ा। लगभग 3,000 की आबादी वाला यह गाँव जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर तो वही ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 16 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान किशन पाल है। लगभग 1300 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी विद्यालय में लगभग 150 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो विद्यालय में शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 30 हैंडपंप लगवाए गए हैं व विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 125 विद्युत पोल, 9 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। इसी के साथ वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में खडंजे, सीसी टाइल्स रोड, स्कूल की बाउंड्री, पानी निकासी के लिए नाला, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 200 शौचालय तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10 आवास भी बनवाए हैं। वहीं वर्तमान ग्राम प्रधान ने एबीपीएस न्यूज के माध्यम से गांव में सीसी टाइल्स रोड, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर, पानी निकासी के लिए नाला, शमशान घाट, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 40 आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मेरा नाम कृष्ण पाल, ग्राम पंचायत भरवाड़ा का प्रधान। अभी तक जो पैसा आया है जी, नाली खड़ंजे और रिवॉर, स्कूल की बाउंड्री और जो ना और नाला जी, सब काम सब सही करवाया। स्कूल के शौचालय और इस स्कूल की बाउंड्री की मरम्मत और लेटरिन और कॉलोनी 10 कॉलोनी बनवाई हैं। जितना पैसा आया सब सही जगह पैसा लगाया गया और मैं चाह रहा हूँ कि और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए, क्योंकि हमारी ग्राम पंचायत में क्षेत्रफल बहुत बड़ा और आवाज जनसंख्या बहुत कम है जी। 3 गांव लगते हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दिया जाए जी। और हमारे यहाँ कच्चे रास्ते 20 गाँव में ज़्यादा हैं, गाँव के बीच में भी कच्चे रास्ते हैं, गा रहा है, कीच हो रही है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे सरकार तो काम होगा और जितना पैसा आएगा सही ढंग से लगेगा। मैं अशोक कुमार, प्रधानाध्यापक, ग्राम पंचायत भड़वाड़ा के मजरा गुलालपुर जाटोवाला में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मैं यहाँ पर 2 मार्च 2009 से कार्यरत हूँ। जब मेरी नियुक्ति इस विद्यालय में हुई थी तो इस गाँव में विद्यालय का निर्माण चल रहा था। उसके बाद मैंने यहाँ पर आकर बच्चों के नए नामांकन किए और आप जो भी कुछ विद्यालय में देख रहे हैं जी, ये सभी मेरे द्वारा किया हुआ है जी। जितने भी विद्यालय प्रांगण में पेड़ पौधे लगे हुए हैं सब मेरे द्वारा ला करके अपनी ही जेब से खर्च किया हुआ पैसा है जी। और मेरा ये भरपूर प्रयास है कि मेरे बच्चे जैसा कि पब्लिक स्कूलों का परिवेश होता है वैसा ही इन बच्चों को हमारे सरकारी स्कूल में परिवेश मिले, जिससे ये यहाँ पर अच्छा महसूस करें और एक पढ़ाई लिखाई का अच्छा शुद्ध वातावरण इन्हें मिले। और इसको बनाने में ग्राम प्रधान और जो मेरे दाएं बाएं आसपास का जो समुदाय है उसका मुझे बहुत सहयोग मिलता है। ग्राम प्रधान भी इतने अच्छे हैं, समय समय पर जब भी मैं इनसे सहयोग विद्यालय के लिए मांगता हूँ मुझे भरपूर इनका सहयोग मिलता है। और मेरा अपने साथियों से भी ये विनम्र अनुरोध है कि आओ हम सब मिलकर इस बेसिक शिक्षा की नींव को मजबूत करें और बच्चों को, देश के नौनिहालों को ऐसी नींव दें, ऐसा एक प्लेटफार्म दें कि वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें और हम इन विद्यालयों को एक आदर्श विद्यालय के रूप में प्रस्तुतिकरण इनका कर सकें। ये मेरी सभी अपने साथी बंधुओं से अपील है कि एक देश को उन्नति के पथ पर ले जाने के लिए बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं यही कहूँगा कि एक अच्छे विद्यालय प्रस्तुत किए जाए।